अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आप लोग कह रहे होंगे कि हम लोग कहाँ आए हुए हैं, मेरे भांजे भी साथ आपको नज़र आ रहे होंगे। हम लोग आए हुए हैं रॉयल पे क्योंकि हम सर्दियों को वेलकम करना चाहते हैं। मीन कि हमारा जैसा कि टॉपिक है कि हम वेलकम करने जा रहे हैं विंटर्स को। मैं आया हुआ था मुल्तान से, कल ही आया हूँ, परसों सॉरी, तो मेरे भांजे भी आए हुए थे, तो मैं आके देखा इनको तो मैं बहुत ज़्यादा मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया, तो मैंने कहा कि हम कुछ पार्टी वगैरह ही कर लेते हैं क्योंकि इतना अर्सा हो गया कि मैंने अपने भांजों के साथ कोई पार्टी नहीं की थी। वैसे फ्रेंड्स के साथ तो करता रहा हूँ, जैसे कि आप लोग ने पहले मेरे वीलॉग्स भी देखे होंगे, पहले पर काफ़ी वीलॉग्स भी आए हैं जिसमें मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टीज़ की हैं और कजन्स वगैरह के साथ भी। पहले तो शादी थी लेकिन अब हमने सोचा कि क्यों ना कुछ हट के किया जाए। तो आज हम आए हुए हैं रॉयल पे पिज़्ज़ा खाने के लिए। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ने हमारे आज के वीलॉग को मिस नहीं करना। तो बताओ सब हाई करो, कैसे हो आप लोग? ठीक है गाइस, ये लोग आप लोगों को नजर भी आ रहे होंगे कितने फ्रेश फ्रेश से लग रहे हैं। ये है सबकी फेवरेट रीच और ये कुमैर और ये मेरी बड़ी भांजी ईमान। हमारी पार्टी का मकसद ये भी था क्योंकि कल से हैं इनके पेपर स्टार्ट, तो ये बहुत ज्यादा थके थके फील कर रहे थे और इन्होंने एग्जाम्स की इतनी अच्छी सी प्रिपरेशन की है। इनशाला फर्स्ट ही आते हैं, इनके हर बार फर्स्ट आते हैं तो इनशाला आप भी फर्स्ट ही आएंगे, लेकिन फिर भी तैयारी करना मस्ट होता है। तो आप लोग तैयारी में बिजी थे ना, पेपर्स की तैयारी कर रहे थे, बताओ कुमैर। तो हमने सोचा कि थोड़ा हैंग आउट कर लेते हैं, तो इसी वजह से हम आ गए हैं। तो हम मैं कुछ इनसे गपशप कर लेता हूँ इतनी देर भी, क्योंकि अभी तो पिज़्ज़ा नहीं आया, हम पिज़्ज़े का ही वेट कर रहे थे। कितनी देर हो गई तकरीबन, 10-15 मिनट हो गए हैं, लेकिन तकरीबन उन्होंने बोला कि आधा घंटा लगेगा, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि जब पिज़्ज़ा बनाते हैं तो आधा घंटा लगता है। ऐसे रीज और आप सुना दो कुछ, गाइस को सुना दो कुछ। फूलों का रस पीती हूँ, रस पी कर जीती हूँ, रंग है मुझ में प्यारे प्यारे, नीले पीले बहुत सारे। क्लैपिंग। सो गाइस, यम्मी सा पिज़्ज़ा भी आ गया, वाओ लुकिंग सो डिलीशियस। गाइस कुमैर पिज़्ज़ा खाते हुए, इसका स्टाइल ये है कि ये खड़े होके खाता है। देखिए कुमैर खड़े होके पिज़्ज़ा खा रहा है बमसी की तरह। देखिए गाइस, देखिए ली कुमैर का फेस व्हाइल ईटिंग पिज़्ज़ा। अच्छा थी ना गाइस, बच्चे ऐसे ही पिज़्ज़ा खाते हैं हैंड यूज़ करके। वैसे हैंड ही यूज़ करने चाहिए, ये फोक एंड नाइफ्स वाला सिस्टम हमें नहीं अच्छा लगता। फोक्स और नाइफ से ना घंटा लगता है ना ईमान? लेकिन ईमान फोक्स ही यूज़ कर रही है, देखें घंटा लग रहा है इसे तोड़ते हुए। और रीज, रीज को देखें हाथ से ही खा रही है। सो गाइस, अब ना हम जिंगर बर्गर खा रहे हैं क्योंकि पिज़्ज़ा ख़त्म हो गया है। सो हियर इज जिंगर बर्गर। गाइस देख सकते हैं अरीश अभी भी बचा के बैठे, क्योंकि ये सबसे छोटी है ना, तो अभी तक भी इसने रखा हुआ है, इसका जिंगर बर्गर पड़ा है और अभी तक ये पिज़्ज़ा खा रही है। सो गाइस, हमने ना पिज़्ज़ा फिनिश कर लिया और जिंगर बर्गर भी, तो अब ना हम लोग घर जाने लगे हैं। थोड़ी बहुत हम पिक्स भी बनाएंगे, उसके बाद ही घर जाएंगे। तो मैंने कहा कि हमारा वी लोग वाइंड अप यहाँ होता है कि किस तरह हमने विंटर्स का वेलकम किया और हमने किस तरह प्री पेपर्स पार्टी की, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी रही अल्हम्दुलिल्लाह से। और होप सो आप लोगों को भी हमारा आज का वीलॉग बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। सो ये अरीश तो अभी तक खाती रहेगी, मुझे लगता है इसका ख़त्म ही नहीं होना क्योंकि ये बहुत छोटी है ना, तो नहीं खा सकती। हाँ कुमार का ख़त्म हो गया है, तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो में। अपनी खास तो हम याद रखिएगा। सो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।